Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Students, main hoon Aftab Attari. Aaj hum economics ka, BCom ka ek intihai ahem jo hai wo question padhne ja rahe hain. Ye aam taur pe iska pair banta hai. Ek hamare paas hai Ricardian theory of rent aur dusra iske muqable mein jo parallel chalta hai वो है कैनेस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. इन दो थ्योरीज में से आम तौर पे एक थ्योरी जो है वो क्वेश्चन में आती है हमारे फाइनल पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और उस तरह की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में भी. आज हम जिस क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या है ये शेयर करने के लिए मैंने पहले से सारा स्केच जो है वो क्वेश्चन का बना लिया है ताकि कम से कम टाइम के अंदर आप जो है वो मैक्सिमम लर्निंग जो है वो कर सकें. तो हम सबसे पहले बात करते हैं ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है क्या. स्टूडेंट्स, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन तैयार करें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का तो आप लोगों को हमेशा जो है वो 4 से 5 हेडिंग्स जो है वो आनी चाहिए. पहली हेडिंग कौन सी? पहली हेडिंग है जनाब इंट्रोडक्शन, दूसरी उसकी डेफिनेशन, तीसरी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, चौथी जो है वो एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और पांचवी अगर आपके पास उसकी अजम्पशंस या उसकी लिमिटेशन या कंक्लूजन मौजूद हो. तो हम जो है सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है क्या. भैया, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी जमीन का जो रेंट है वो किस तरह से तय होता है. हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है जहां पर ज़राअत की जाती है, तो उस जमीन का रेंट कैसे तय होता है कि कितना रेंट दिया जाएगा, ये कहाँ स्टडी की, ये जो हमें सिखाती है थ्योरी वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. इसमें सिर्फ एक लाइन में अगर इसकी बोलूं जिसमें इसका कॉन्सेप्ट है तो वो है द एक्सप्लेनेशन दैट हाउ रेंट अराइज. हम इस बात को स्टडी करें कि किस तरह से किसी भी जमीन का रेंट तय किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं जी ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है. ये जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है ये एक इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, उनके नाम से एफिलिएटेड है. डेविड रिकार्डो साहब ने ये कहा कि जनाब किसी भी जो जमीन का रेंट है ना वो उसकी जरखेजी तय करती है, उसकी फर्टिलिटी तय करती है, कि जमीन जितनी जरखेज होगी उतना उसका रेंट जो है वो ज्यादा होगा, जितनी जमीन कम जरखेज होगी उतना उसका रेंट जो है वो भी कम होगा. इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया, मैं उस एग्जांपल की तरफ चलता हूँ जो कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. उन्होंने मिसाल ये ली, उन्होंने कहा एक आईलैंड है उसके ऊपर 4 तरह की जमीन है, आईलैंड के ऊपर 4 तरह की जमीन है. एक का नाम उन्होंने रखा जनाब ए ग्रेड लैंड, दूसरी बी ग्रेड लैंड, तीसरी सी ग्रेड लैंड और चौथी डी ग्रेड लैंड. स्पेस नाम होने की वजह से फिर मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ सी और डी लिख दिया. अब जरा आप गौर करें, उन्होंने ये कहा कि जो ए ग्रेड लैंड है वो फर्ज कर ले सबसे ज्यादा सरफेस है, जो बी ग्रेड लैंड है वो उससे कम सरफेस है, जो सी है वो उससे कम, डी जो है वो उससे भी कम. तो जो ए ग्रेड लैंड है उसके अगर ऊपर हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है वो जो चेंज हो सकता है, हमारे इस क्वेश्चन में फर्ज किया कि वो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है. हमने अगर एक लेबर लगाई अपनी एक ग्रेड लैंड के ऊपर तो क्यों नहीं ये सबसे ज्यादा सरफेस है, तो लेट से इसने 40 क्विंटल गंदुम जो है वो पैदा किए टोटल, और वही जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बी के ऊपर काम करेगा तो क्योंकि ये जमीन कम सरफेस है इसलिए ये इसके मुकाबले में कम जो है वो गंदुम पैदा कर रहा है. इसी तरह यहाँ पर और कम और यहाँ पर और भी कम क्योंकि जमीन कम सरफेस है. हम इसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते चले गए, जो जो हमने मजदूर ज्यादा लगाए तो जनाब हमारी जो एक लैंड है उसकी प्रोडक्शन पहले से कम हो गई. कम होने की वजह, भाई कम होने की वजह यह है कि जब किसी जमीन को मुसलसल यूज किया जाए तो उसकी फर्टिलिटी पहले से कम हो जाती है, उसकी जरखेजी पहले से कम हो जाती है, तो जब जरखेजी कम हो जाए तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट करती है, इसलिए ये प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और यहाँ पर भी कम होती चली जा रही है. जो जो मजदूर ज्यादा लग रहे हैं तब तब हमारी जो प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है. अब
हमने तय ये करना है कि जो हमारी ए ग्रेड लैंड है उसका रेंट कितना होगा, बी का रेंट कितना, सी का, डी का, ये रेंट कितना होगा, ये कैसे तय होगा। इसके लिए फर्ज कर लें कि जो एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना मजदूर, उसकी टोटल कॉस्ट फर्ज कर लिया हमारे सवाल के अंदर 25 क्विंटल है। 25 क्विंटल ये भी आपने फर्ज करना है, आप इससे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर हमारी 25 क्विंटल जो है वो गंदुम है, तो जनाब 25 क्विंटल एक मजदूर की जो कॉस्ट है वो है, तो फिर हमने जनाब यहाँ देखना है कि जो ए ग्रेड लैंड है वो कितनी उसका रेंट होगा। वो रेंट मालूम करने का तरीका ये होगा कि देखें अगर हम एक मजदूर लगाएं तो वो टोटल 40 जो क्वांटल है वो गंदुम पैदा करता है। मैं सिर्फ ए ग्रेड लैंड को यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगी वो ये बी सी और डी की भी होगी। इसलिए एक तोजो से सुन लीजिएगा, जब हमने एक मजदूर लगाया उसने टोटल जो है वो 40 क्विंटल गंदुम पैदा की, उसकी अपनी कॉस्ट कितनी है 25, और वो इसका मतलब 40 क्विंटल गंदुम पैदा कर रहा है, इसमें से 25 क्विंटल को बतौर अपनी कॉस्ट के ले जाएगा, अपनी मजदूरी के ले जाएगा, तो बाकी कितनी क्विंटल रह गई, 40 में से 25 माइनस करें तो 15 क्विंटल। इसका मतलब हम एक मजदूर लगाने में हेजिटेशन फील जो है वो नहीं करेंगे, जब हम जो है वो एक मजदूर लगाएंगे, हमने एक मजदूर लगा लिया, दूसरा लगाया उसने 35 मन जो है वो 35 क्वांटल का तुम फर्ज करें पैदा करनी है, इसमें भी 25 क्वांटल जो है उसकी वो है कॉस्ट है, तो हम यहाँ पर भी एजुकेशन फील नहीं कर रहे बतौर इन्वेस्टर, हम कह रहे हैं ठीक है यार तू 35 मन गंदुम पैदा कर रहा है, 25 उसकी जो है वो मजदूरी होगी, 10 तो बच रहा है ना, लिहाजा कोई बात नहीं लगाओ दूसरा मजदूर भी, तीसरा भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी सेविंग हो रही है, चौथा भी लगा लेंगे, हम कहेंगे चलो यार कम से कम अपनी कॉस्ट तो पूरी कर रहे हैं ना, हमारी कॉस्ट हमें कम से कम पल्ले से तो नहीं ना पड़ना ये वाला मजदूर। तो जनाब हम चार जो है ना वो मजदूर लगाने में कोई हेजिटेशन फील नहीं करेंगे, हम चार मजदूर लगाएंगे, वो चारों मजदूर जो गंदुम पैदा करेंगे वो अब हम देखेंगे, देखें जी बेटा वो चारों मिलकर कितनी प्रोडक्शन करेंगे। ये ए ग्रेड लैंड का रेंट हम मालूम करने जा रहे हैं, रेंट ऑफ ए ग्रेड लैंड, रेंट मालूम करने का फार्मूला ये होगा टोटल प्रोडक्शन उसमें से आप माइनस कर दें टोटल कॉस्ट को, तो आपको जवाब मिल जाएगा उस जमीन का रेंट। अब देखिए जब हमने चार मजदूर लगाए थे तो चारों ने मिलके टोटल कितनी गंदुम पैदा की, जनाब चारों ने मिलके 40 जमा 35 जमा 30 जमा 25, तो चारों ने गंदुम पैदा की है 130 क्विंटल, उसमें हर मजदूर ने कितनी मजदूरी लेनी है 25 क्विंटल जो कि हम पहले फर्ज कर चुके हैं, तो हमने 25 को 4 से जो है वो जर्ब दी, तो जनाब 100 क्विंटल तो उनकी मजदूरी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई। तो हमने जब 130 में से 100 मन गंदुम या 100 क्विंटल गंदुम जो है वो माइनस की मजदूरी के तौर पे, कॉस्ट के तौर पे, तो हमारे पास 30 क्विंटल जो है वो बाकी बची, ये है रेंट ऑफ ए ग्रेड लैंड जो कि 30 क्विंटल होगा। इसी तरह हम बी ग्रेड लैंड का रेंट फाइंड करेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे रेंट ऑफ बी ग्रेड लैंड, जनाब बी ग्रेड लैंड का रेंट कैसे मालूम होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह आप लिखेंगे कि बी ग्रेड लैंड जो है उसमें हम पता कितने मजदूर लगाने में हेजिटेशन फील नहीं करेंगे, 3, क्यों, क्योंकि बी ग्रेड लैंड पर जो तीसरा मजदूर है वो उतनी ही गंदुम पैदा करेगा जितनी उसकी कॉस्ट है, तो हम चौथा मजदूर वहां नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो अपनी कॉस्ट से भी नीचे गंदुम पैदा कर रहा है, तो हमें किसी भी सूरत काबिल कूल नहीं है, तो हम जो है वहां पर भी 3 मजदूर जो है लगाएंगे। 3 मजदूर जब हम लगाएंगे बी ग्रेड लैंड पर, यहाँ पर भी लिखा जाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी ग्रेड लैंड, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, 35 जमा 30 जवाब क्या आया जी 60 और 65 और जमा 25 तो जवाब क्या आ गया 65 और 25 90, तो हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है वो 90 क्वांटल है इसकी बी की, और इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो 3 मजदूर है, और हर मजदूर की कितने मन जो है वो हमने कॉस्ट रखी हुई है, हमने ज्यूम किया था 25 मन, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट कितनी हो गई 75 हो गई, कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो कितनी है 90, तो 90 में से 75 जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास जवाब जो है वो क्या आ जाएगा 15, तो 15 क्वांटल जो है वो रेंट होगा किसका बी का। इसी तरह आप सी का रेंट भी मालूम करें, फार्मूला यही लिखें टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट, तो टोटल प्रोडक्शन हम तीसरे जो लैंड है इसके ऊपर हम सिर्फ 2 मजदूर लगाना चाहेंगे, क्यों,
अपनी प्रोडक्शन, अपनी जो कॉस्ट है वो भी नहीं निकालना। लिहाजा हम जो है वो दो मजदूर लगाएंगे, और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मजदूर लगाएंगे, क्योंकि पहला मजदूर उतनी गंदू पैदा कर रहा है जितनी उसकी कॉस्ट है, तो हम दूसरा किसी जरूरत में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो पल्ले से पड़ेगा, उसकी अपनी कॉस्ट 25 है, तो हमने पैदा करके दे 20 मन, तो हम तो कहेंगे यार 5 तो मैं अपने जेबे ऐड करके दे, एटलीस्ट तुम हमें प्रॉफिट ही दे सकते, तो कम से कम इतना तो हमें जरूर दो कि हम तुम्हारी कॉस्ट हमें जेब से ना देनी पड़े। तो यहाँ हम सिर्फ एक मजदूर लगाएंगे। जब हमें ये सारी कैलकुलेशन कर चुकी होंगे, तो उसके बाद हम पहुंचेंगे जनाब अपने डायग्राम के ऊपर। डायग्राम देखे जनाब, डायग्राम ये है कि जो ए ग्रेड लैंड है उसके ऊपर मतलब 4 मजदूर लगाए, तो जनाब 4 मजदूर लगाने से हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है वो 40 हो रही है, तो हमारे पास ये एक पूरा जो है वो ब्लॉक बनेगा। उसके बाद हम अगर बी ग्रेड लैंड है उसके ऊपर 3 मजदूर लगाए, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन ये हो रही है। सी ग्रेड लैंड है उसके ऊपर सिर्फ हम जो है वो जनाब कितने मजदूर लगाएंगे, सी के ऊपर 2 मजदूर लगाएंगे, हमारी ये प्रोडक्शन हो रही है। और जो डी ग्रेड लैंड है उसके ऊपर हम जो है वो मैक्सिमम सिर्फ 1 ही मजदूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां प्रोडक्शन हो ही रही। ये वाली सारी जो है ये नो रेंट लैंड है, जो डी है, जो डी है ये नो रेंट लैंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, सिर्फ प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है जितना उसकी जो है वो हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जितने मजदूर ने पैसे लेने हैं, अगर प्रोडक्शन सिर्फ हो ही उतनी तो हम वहां पर मजीद मजदूर लगाना गुवारा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये वाली जो कलर एरिया है जिसको हमने ये कलर कर दिया हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये सी का रेंट है, ये वाला एरिया शो कर रहा है ये बी का रेंट है, ये जो कलर एरिया, और ये जो कलर एरिया है ये आपके पास शो कर रहा है ये का है। तो आप अगर यहाँ गौर से देखें तो सबसे ज्यादा रेंट यहाँ पर एक है, ये कलर एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा रेंट को शो कर रहा है, ये उससे कम है, ये कम रेंट है, यहाँ पर कलर एरिया उससे कम है, ये उससे कम रेंट है, यहाँ कलर एरिया है ही नहीं है। इसका मतलब जो डी है वो क्योंकि सबसे कम सरफेस नीड है, लिहाजा उसका कोई रेंट जो है वो नहीं है। ये हमारे पास मेरे भाई टोटल जो है वो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन की समरी ये है कि हम जो है वो यहाँ पर ये फर्ज करेंगे रिकॉर्डों के मुताबिक कि 4 तरह की जमीन है, उसके ऊपर हम मजदूर लगाते हैं, वो मजदूर प्रोडक्शन करते हैं, मजदूर की एक दिन की मजदूरी जो है या एक मजदूर की जो कॉस्ट है वो जनाब हमारे पास 25 क्वांटल है, तो हम उतने मैक्सिमम मजदूर लगाना गुवारा करते हैं जो कम से कम अपनी कॉस्ट जरूर निकालें। इस तरह से ये हमारा सारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने सीखा सिर्फ ये है कि किसी भी जमीन की जो रेंट है वो किस तरह से तय होता है, तो उसका रेंट जो है वो उसकी सरफेसी जो है वो तय करती है। ये मेरे पास इस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स हैं, किसी भी बच्चे को चाहिए हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता करके तो मुझसे ये नोट्स जो है वो ले सकता है। इसमें जो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन विद हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम के बाद कुछ है असम्पशंस। असम्पशन क्या है, हमने यहाँ पर ये अज्यूम करना है इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, सबसे पहले हमने ये अज्यूम करना है कि हर जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी डिफरेंट है, हर जमीन जरफेजी के अंदर मुख्तलिफ है, ये हमने फर्ज करना है। इसके बाद हमने ये भी फर्ज करना है कि हमें जमीन की फर्टिलिटी का इलम है कि कौन सी ज्यादा सरफेस है, कौन सी कम सरफेस है। फिर हमने ये भी अज्यूम करना है कि इस थ्योरी को पढ़ते हुए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो अप्लाई होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये है कि एक मजदूर जितनी प्रोडक्शन करेगा दूसरा आने वाला उतनी प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो उससे कम करेगा, तीसरा आने वाला उससे भी कम करेगा, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो यहाँ पर देख लेंगे अप्लाई हुआ है, जो जो मजदूर बढ़े हैं हमारी प्रोडक्शन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो चेंज हो रही है, कम होती चली जा रही है। इसके बाद हमने ये भी यहाँ फर्ज करना है कि मार्केट के अंदर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है। फिर इसके बाद मेरे भाई लास्ट वन जो हमने चीज फर्ज करनी है वो ये करनी है कि हम सारी जमीनों को बराबर में यूज कर रहे हैं, बराबर में यूज करने का मतलब जितनी मेहनत इधर हो रही है अपनी इधर हो रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ प्रोडक्शन कम होने की वजह यह है कि यहाँ मेहनत कम हो रही है, नहीं नहीं मेहनत इक्वली हो रही है, प्रोडक्शन इसलिए कम हो रही है क्योंकि यह जमीन सरफेस कम है। ये बातें फर्ज करने के बाद हमने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करना है। क्रिटिसिज्म क्या है जी, तनकीद करनी है। पहले इसके ऊपर आप तनकीद क्या करेंगे, आप बोलेंगे पार्ट ऑफ लैंड जो है ये इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है कि जमीन की सरफेसी जो है वो कभी भी खत्म नहीं
नहीं होती, ये अनब्रेकेबल है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो कहता है ये जो इसकी हमने फर्ज की हुई बात है कि जनाब जमीन की जरतेजी जो है वो कभी खत्म नहीं होती या जमीन की जरतेजी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, इसने ये बात की थी, तो ऐसा नहीं है। आप जमीन की जरतेजी को बरकरार रख सकते हैं आज के जदीद दौर के अंदर। हम तनकीद क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि जमीन की जरतेजी कम हो जाती है, हम अब तनकीद क्या करने जा रहे हैं, नहीं भाई जमीन की जरतेजी कम नहीं होती, खादों का इस्तेमाल करो, बीज अच्छा इस्तेमाल करो, स्प्रे करो, मैक्सिमम जो है वो साइंटिफिक तरीके को यूज करो, तो तुम्हारी कभी भी प्रोडक्शन कम नहीं होगी। अब ये बात भी ठीक है, आज के दौर में जदीद साइंस का दौर है और हम ये कह रहे हैं जहां आपकी जमीन की सरगेजी कम है ऐसी की तैसी भाई जमीन की, हम तो आज वो भी चीजें जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका मौसम भी नहीं होता, जदीद साइंस में तो वो भी चीजें प्रोड्यूस करती है। तो फिर हम यहाँ पर यह तनकीद कर रहे हैं, ये बात इसकी गलत है। दूसरा हम इसके ऊपर ये भी बात करने जा रहे हैं क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है हमने कहा कि जनाब हर जमीन जो है वो डिफरेंट है, बात तो नहीं कह रहे जमीन डिफरेंट है, लेकिन जदीद साइंस के अंदर हम कोई भी जमीन अब डिफरेंट नहीं रही। जनाब लोगों ने वहां वहां पर प्रोडक्शन कर छोड़ी है जहां पर मुमकिन नहीं थी, जमीन को इस काबिल खुद बना दिया साइंस को इस्तेमाल करते हुए। फिर जनाब नो रेड लैंड, आज के दौर में क्या ये बात मुमकिन है, क्या आप किसी की जमीन इस्तेमाल करें वो बोले नहीं नहीं तुम रहने तो मैं ना दो, आज के दौर की मुमकिन ही नहीं है। जबकि हम यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर कह रहे हैं कि जो डिग्री लैंड है ना जो सबसे कम तेज है उसका कोई रेंट नहीं, तो भाई आज के दौर में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपको फ्री में जमीन दे रहे हैं कि आप फ्री में इस्तेमाल करें, तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। फिर जनाब नो नीड ऑफ दिस थ्योरी, आज के दौर में कहते हैं इस थ्योरी की जरूरत नहीं है कि जनाब रेंट कैसे तय होगी। तो फिर साहब अगर इस थ्योरी की जरूरत नहीं है तो फिर हम कैसे रेंट तय करेंगे? जनाब इस आज के दौर में रेंट तय होता है डिमांड और सप्लाई के मुताबिक। अगर किसी जमीन की डिमांड है तो ठीक है उसका रेंट उतना ज्यादा होगा। जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, मतलब जहां पर आप निगोशिएशन करें किसी के साथ बातचीत करें और आपका जहां सौदा तय हो जाए आपका वो रेंट होता है, तो आज के दौर में जनाब इसके मुताबिक कोई भी रेंट नहीं है। लिहाजा वो कह रहे हैं करंटली मौजूदा जमाने के अंदर इस थ्योरी की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये फिर भाई हमने इस थ्योरी को स्टडी की है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप जरूर मुझसे पूछें, आप ताबत्तारी ऑफिशियल के साथ जो है वो जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।